आइए अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखिए, वो कह रहे हैं राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए अगर वो आपसे बोलते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बताओ, तो लाइन यहां कहीं होती, तब तो इस केस में क्या हो जाता, y इज इक्वल टू a। बट वो कह रहे हैं x एक्सिस के बताओ, तो जब इसके ऊपर ये वाली लाइन लाई करेगी तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ ऑफ x एक्सिस क्या होगा, देखो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है, जीरो, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा बताओ जरा, यहां पर x की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। समझ में आ रही बात, यानी नोट कीजिए। नेक्स्ट, इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो वो कह रहे पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप दिस, तो इसका मतलब आपको स्लोप दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पे क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो यहां पर आप क्या करोगे, लेट स्लोप एम इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर देखो जरा एक्स नॉट दे दिया है -4 और वाई नॉट दे दिया आपको 3। हमें क्या लगानी होगी यहां पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है भाई, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3, स्लोप कितना दिया हुआ है 1/2, एक्स एज इट इज, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचा एक्स प्लस 4। अब ये दोनों चीजें उठाकर आप उधर लेकर जाइए, उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4, देखो ये प्लस का 2y है, उधर जाकर माइनस का, और 6 माइनस का है तो प्लस का, सब कुछ उठाकर उधर ले गए हो तो इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब देखो क्या आया, x माइनस 2y, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो 10 आ जाएगा। अब ये 0 इधर लिखो या उधर लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए आंसर किसके को, लेफ्ट साइड उठाकर तो लेफ्ट साइड ला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम देखो हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि x का कोफिशियंट पॉजिटिव रहे, ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए।